अध्यक्ष पहुंचना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद पहला सेशन होगा। अभी कार्यक्रम एक घंटा लगेगा लगभग सबको यहां पर असेंबल होने में। 9:30 बजे शुरू होगा, आना शुरू होंगे। पहले उनको हैंडशेक के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसीव करेंगे बारी बारी से तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुखों को। और थोड़ी देर पहले स्पेन के मंत्री का आप जिक्र कर रहे थे, स्पेन के राष्ट्र प्रमुख को आना था लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ गई तो अंतिम वक्त में वहां से मिनिस्टर को भेजा गया। दूसरी चीज़ कि फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोग आएंगे, वो उसी तरह का सीक्वेंस होगा और फिर फोटो सेशन होगा और फिर लीडर्स लाउंज। आमतौर पर आपने सुना होगा कि चीन के राष्ट्रपति के साथ लीडर्स लाउंज में मुलाकात हो गई, पुल असाइड होता है बेसिकली, जिसको बायलेटरल मीटिंग पहले से तय नहीं माना जाता। हालांकि इनफॉर्मल तरीके से तैयारी चलते रहती है, पूरी तैयारी होती है कि भाई इनके साथ टकराएंगे, हाँ टकराएंगे इनके साथ, इनके साथ औपचारिक रूप से मिलेंगे और इनके साथ अनौपचारिक टकरा जाएंगे और फिर बात आ सकती है कि आप वो टकराने वाली वो टक्कर नहीं होगी, लेकिन टक्कर नहीं होगी, टक्कर नहीं होगी, ये उसी तरह का हैंडशेक होगा जिस तरह से बाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की हैंडशेक हुई थी। बाली के बारे में बहुत कुछ चीजें बता दें, हम लोग बात कर रहे थे क्योंकि अब शुरू होने वाला है सिलसिला। यूक्रेन पे पिछली बार सहमति क्यों बन पाई, इसके पीछे भी बहुत उस समय की परिस्थितियां बहुत मजबूती से थी कि आप कॉम्युनिक में भारत का पक्ष कैसे रख पाए। प्रधानमंत्री का वर्ड जो है ये युद्ध का एरा नहीं है, कैसे रख पाए, उसकी वजह ये थी। नवंबर में समिट था, नवंबर में रूस कमजोर दिख रहा था, उसको लगता था कि पश्चिम देश हावी हो जाएंगे। रूस वहां और वहां गए सर्जेई लावरो, वहां भी पुतिन नहीं गए तो सर्जेई लावरो, और उस समय आपको याद होगा पोलैंड में वहां बीच में खबर आ गई कि पोलैंड में एक मिसाइल से हमला हुआ है, वो खबर हालांकि फेक निकली। उसी बीच G7 की मीटिंग हो गई उस माहौल में, और उसके बाद चीन जो है, चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात हो जाती है बाइडन से वहां, और वो लंबी मुलाकात चलती है, तो दोनों देश उलझ गए इन सब चीजों में। और अंतिम वक्त में किशोर जब बात आएगी कॉम्युनिक में यूक्रेन पे क्या लिखा जाए, इधर देखिए प्रधानमंत्री जो हैं वो जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, वो तस्वीरें हम देख रहे हैं। हाँ, वो 9:30 से था, 9:20 से भी एक रिवाइज टाइम आया था तो अभी से वो शुरुआत हो गई होगी। दूसरी चीज हम बता रहे थे कि अंतिम में हमारे शेरपा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के उन शब्दों का इस्तेमाल कर लीजिए कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और वही शब्द इस्तेमाल हुआ जिसके बाद दुनिया में भारत की वाहवाही हुई, प्रधानमंत्री मोदी की वाहवाही। तो आज भी ये देखना होगा कि किस तरीके से एक चैलेंज यूक्रेन का मामला एक चैलेंज है, उसमें G20 के देश जो हैं, भरपाई आप कर सकते हैं। अगर यूक्रेन के मसले पे कुछ नहीं निकलता है तो भरपाई आप कर सकते हैं, वो इस तरीके से कर सकते हैं कि आप अफ्रीकन यूनियन को शामिल करा दीजिए। एक और अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराने में भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जाएगी एक तरह से। देखिए बिल्कुल, और भारत इसके लिए पूरी कोशिश भी कर रहा है, और इस बार जो चर्चा हो रही है उसमें भारत का साफ ये कहना है कि अगर वो ये करवाने में सफल हुआ तो उन्हें एक बड़े, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन बड़ा, कई अफ्रीकी देश उसमें शामिल है, उनका साथ तो मिलेगा। और वो सब लोग भी, वो देश भी इस समय परेशान है, वो किसी तरीके से चीन के जाल से बचना चाह रहे हैं। चीन अपने आप में एक बड़ा कारण कई चीजों का बन गया है कि जिसके कारण बाकी देश अब सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम इससे बाहर निकलें। जी जी, यही जो हम बात कर रहे हैं कि IMF चीफ, अब तस्वीरें आ रही है कि IMF चीफ वहां पहुंची हैं और प्रधानमंत्री उनसे बात करते हुए IMF का रोल, IMF वर्ल्ड बैंक का रोल, ये IMF जो पिछली सदी में एक बहुत अहम रोल निभाता था उन देशों तक मदद पहुंचाने में जो आर्थिक संकट से गुजर रहे होते थे, और तब ये आलोचना होती थी कि अमेरिका इसके जरिए अपनी कूटनीति करता है, IMF का जाल है साहब, और IMF के जाल में आप हमारे पड़ोसी श्रीलंका में ऋण लेने की बात हो, जिस तरह से आर्थिक संकट में फंसा पाकिस्तान, पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। मैं पिछले सदी की बात करूंगा, पिछले सदी में IMF को कई देशों में ऐसे देखा जाता था कि इसके जाल में हम फंस जाएंगे, लेकिन अब वो हल चीन का हो गया। अब वो और उसकी वजह से ही जो पहले वाली रेपुटेशन थी या पहले वाले जो हिसाब किताब था, उसकी वजह से ही चीन ने जैसे अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत की, उसने अपनी कूटनीति में ये संकट में फंसे देशों को मदद पहुंचाने के नाम पर अपने पैर पसारने शुरू किए दुनिया में। और अब वो स्थिति आ गई है जब ये मांग उठ रही है कि IMF में सुधार किए जाएं, और इसलिए IMF के अध्यक्ष का यहां पहुंचना और उनका G20 में इस तरह से हिस्सा लेना, IMF का के रोल के बारे में बात होना, ये एक बहुत अहम बिंदु है इस G20 शिखर सम्मेलन का। किशोर, एक चीज और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि IMF की हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि वो मॉनेटरी फंड
जनरेट करता है, लेकिन वो किसको देगा? और इस बीच यूएन महासचिव भी पहुंचे, यूएन महासचिव पहुंचे हैं, तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री स्वागत करते हुए यूएन महासचिव अंतोनियो गुतरेस का।